हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोमल्स किचन। स्वागत है आपका अपने चैनल कोमल्स किचन में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए घिया की सब्ज़ी। ये 700 ग्राम घिया है, 2 पीस 700 ग्राम घिया हुआ है और इसे मैंने अच्छे से छील कर कट कर लिया है। आप इसे कोई भी शेप में कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तड़का लगाने के लिए 2 मीडियम प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और 2 हरी मिर्ची को चॉप कर कर ले लिया है। तड़का लगाने के लिए मस्टर्ड ऑयल 2 टीस्पून, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हो। और ऑयल के गर्म होते ही इसमें डाल दें 1 टीस्पून जीरा। जीरे को अच्छे से चटकने दें। जब जीरा अच्छे चटक जाए इसमें डाल दें लहसुन और अदरक और साथ में इसमें डाल दें हरी मिर्ची। लहसुन और अदरक को मैंने अलग अलग रखा है, लहसुन को साबुती रखा है इसकी कलियों को, और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ऐसे ही हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसे 1 मिनट और पकाएंगे, और ऐसा करने से हमारे सारे जो हमने अदरक लहसुन डाला है उसका सारा ही टेस्ट ऑयल में चला जाता है। और जब 2 मिनट हो जाए तब आप इसमें डाल दें कटे हुए प्याज। प्याज को अच्छे से मिलाएं और 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से पकाएं। डार्क ब्राउन बिल्कुल ना करें, हल्का सा इसका कलर चेंज होने तक इसे पकाना है मीडियम आँच पर ही। जब हमारे प्याज का कलर अच्छे से चेंज हो जाए तब हम इसमें साथ में डाल देंगे हमारे सूखे मसाले। सूखे मसालों में मैंने लिया है जहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है रेड चिल्ली पाउडर, और साथ में मैं डालूँगी इसमें 1 पिंच हींग। हींग आप स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो जीरे के साथ। और मसालों को अच्छे से मिलाएं और मीडियम आँच पर इसे अच्छे से पका लें। याद रहे आपने हरी मिर्ची भी डाली है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हो। और कलर के लिए मैंने यहाँ पर डाला है 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च डालने से सिर्फ क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी का कलर बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होगा। और मसाले के भुनने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। टमाटर हमने मसालों के बाद डाले हैं ताकि जो हमारी सब्ज़ी में जो अच्छे से हल्का सा दिखाई देता रहे, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और मसाले डालने और टमाटर डालने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट ढककर पकाऊंगी ताकि जो सारे मसालों का फ्लेवर है, खुशबू है, वो तड़के में चली जाए। 3-4 मिनट पकाने के बाद इसे चेक किया और देख सकती हूँ कि मसाले ने सारे ने ऑयल कैसे रिलीज़ कर दिया है। तो हमारा मसाला तड़का बनकर बिल्कुल तैयार है। अभी भी टमाटर हल्के से दिखाई दे रहे हैं और हमें ऐसा ही मसाला तैयार करना है। आप यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। और साथ में डाल दें अब इसमें कटी हुई घिया। घिया डालने के बाद अच्छे से मिला दें और कलर आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा कलर इसका है। और कुकर में हम जब भी सब्ज़ी बनाएं याद रहे कि हमें इसे मीडियम फ्लेम पर पकाना है और 2 से 3 विसल ही लगानी है। मसाला डालने के बाद और घिया डालने के बाद लास्ट में मैंने डाला है नमक। नमक को हमेशा लास्ट में डालें ताकि जो पहले का हमारे प्याज टमाटर का पानी था वो अच्छे से सूख जाए। और घिया डालने के बाद हम नमक डालने से क्या होगा कि हमारा घिया पानी अच्छे से रिलीज़ कर देगा और हमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसे अब ढक्कन से ढककर 2 से 3 विसल लगाएं मीडियम फ्लेम पर। और कुकर को ठंडा होने के बाद ही इसे खोलें और इसकी भाप को अपने आप रिलीज़ होने दें। कुकर ठंडा होने के बाद मैंने इसे खोला और चेक किया सब्ज़ी। आप देख सकते हो हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। आप चाहे तो इसे और भी अच्छे से पानी को सोख सकते हो 2-3 मिनट और पकाकर। मैं आपको चेक कर दिखाती हूँ कि हमारी सब्ज़ी कितनी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। ये बनकर बिल्कुल तैयार है और पानी थोड़ा ज़्यादा है तो इसलिए हम इसे 2 से 3 मिनट थोड़ा और पकाएँगे ताकि इसका पानी थोड़ा सा सूख जाए। और साथ में डाला है गरम मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून डाला है किचन किंग मसाला। ये मसाले डालने से हमारी सब्ज़ी में और भी अच्छी खुशबू आएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और मसाले डालने के बाद इसे अच्छे से मिला दें।
और साथ में मैंने इसमें डाला है कसूरी मेथी, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी को क्रश कर कर डाला है, हाथों से रगड़ कर उसके डंडर निकाल लें। और कसूरी मेथी से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप चाहे तो यहाँ पर हरा धनिया कट कर कर डाल सकते हो गार्निश के लिए। हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत ही ग्रेवीदार हमारी सब्ज़ी बनी है। इसे पूड़ी के साथ सर्व करें, चपाती के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी है। और कलर आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा इसका कलर बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं ऐसी न्यू वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।